जाकर तोड़ेगा भाई मेरी आथा ने कहे पहले दिन मारो भैया इतना भारे भरा है ओहो माय गॉड मारेगा भाई जाकर और आज हम जिम जा रहे हैं। पर भाई मैं तो जिम जा रहा हूँ बहुत सालों के बाद, कॉलेज के बाद जिम नहीं गया था यार, क्योंकि आपको बताया था मेरे को डिसलोकेशन हो गया था। तो 2006 के बाद मतलब जस्ट कॉलेज स्टार्ट हुआ था अपना, एंड देन तभी अपने को फर्स्ट ईयर में ही हो गया था डिसलोकेशन, तो अपनी वहीं से जिम की जर्नी स्टार्ट हुई और वहीं पे अपनी ख़त्म हो गई थी भाई। तो अब दोबारा से अपन इतने सालों के बाद भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जिम, और अपना पार्टनर रहेगा मिस्टर जाखड़ राहुल के साथ अपन जिम करा करेंगे। हम दोनों ने ना शर्त लगाई है कौन पहले मतलब स्टमक कम करे, पेट कम करेगा भाई, क्योंकि मेनली अपने हाथ पर ठीक है, बस एक पेट का था, खाने के शौकीन है ना यार थोड़ा सा, तो इसलिए पेट थोड़ा सा बढ़ जाता है यार। चुस्ती पूरे शरीर में, शरीर मेरा अप्रोक्सन 10 से 15 किलो वेट बढ़ गया, क्योंकि लास्ट ईयर हो गया था इन्हीं दिनों में मई में मेरे को कोविड हो रखा था, और भाई एम्बुलेंस में गया था, हॉस्पिटल गया, वहाँ से बच के आया, माँ बाप का सर पे हाथ था, परिवार का प्यार था, तो भाई बच गए, नहीं तो भाई हॉस्पिटल जो गया था ना सेकेंड वेव में वो वापिस नहीं आया भाई, तो भाई आप बच के आ गए थे। इन्हीं दिनों की बात है, लास्ट मेरा नेगेटिव आई थी रिपोर्ट 17-18 मई को आई थी भाई। जब काम से फुर्सत निकाल के अपने YouTube को मैंने टाइम दिया है, अपने पैशन को मैंने टाइम दिया है, तो भाई जिम को भी तो टाइम देंगे ना, शरीर सबसे पहले, सबसे पहले कहते ना बड़े बुजुर्ग कहते ना सबसे पहले निरोगी काया, तो भाई निरोगी काया, निरोगी तो हम है, रोग कोई भगवान की दया से अब तक कोई रोग नहीं है, पर वही है अब काया को और भी फिट बनाना है। और VIP नंबर से रिलेटेड जो आपके सवाल थे उनके जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, वीडियो आपने मोस्टली उन्हें देख भी लिया होगा, और नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक छोड़ देता हूं, जाके देख लो, सारे सवालों के जवाब इस बार क्लियर मिल जाएंगे, इस बार क्लियर जवाब है सारे, पहले भी क्लियर ही दिए थे भाई, दो वीडियो उसके ऊपर डिटेल्ड हो गए हैं, जाके अब देख लो। अब मेरे को नहीं लगता कि अब नंबरों से रिलेटेड आपका कोई शायद ही कोई सवाल बचा होगा, तो प्लीज जाओ और उसको देखो। तो जी मारा भाई, मारा पार्टनर, मारा गुरु बेसिकली भाई दोनों भाई हैं, दोनों भाई ने कंपटीशन ला रखा है कि ना भाई दोनों भाई एक दूसरे को करके सीट बेल्ट लगाओ भाई, उससे जाकर सॉलिड बॉडी बनानी है। हाँ सॉलिड बॉडी नहीं, मतलब जो हमारा फैट है ना उसको, फैट को ना मसल में कन्वर्ट करना है हमारे को, बस ये हमारा टारगेट है, बाकी दोनों भाई चुस्त फुर्स्त तो है ही। हम मैं पिछले 6 साल से ये चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, ईब मेरे साथ लग गया ना ईब हो जाएगा, जब यार चिन्नी कम करवा दी इसकी तो भाई के वो ना सीधा, तो भाई चिन्नी जब कम करा दी तो यह चीज कम नहीं होगी, मेरा भी फायदा होगा, भाई का भी फायदा होगा, दोनों का कंपटीशन रखेंगे ना एक दूसरे से तो मस्त फायदा होगा दोनों का। अब डायरेक्ट मिलेंगे आपसे सीधा जिम में, बहुत होगी बातचीत सीधा जिम में, पहले मैं थोड़ा कार्डियो करूँगा ना, वॉक करनी भी जरूरी है। यस ये है ना स्मार्ट वॉच कब काम आएगी, पैसा लगा है इस पे। तो जी आज से स्टार्ट हो रही है हमारी जिम जर्नी। तो ये जो पेट है ना भाई, जो हमने खा खा के बढ़ा लिया है, इसको कम करना है। लेग्स अपनी बिल्कुल ठीक है, इनके मसल्स अपने को यूं गेन करनी है बढ़िया वाली, और रेड सॉक्स पहन के आए भाई, रेड सॉक्स हनुमान जी का वक्ता है भाई, लाल रंग से शुरुआत करेंगे। तो जाकर भाई रेडी कर लेते हैं, पहले बार पहले वार्म अप करेंगे हम, इधर करेंगे, आज थोड़ा कम शूट करूंगा यार, पहले आज का दिन ध्यान दे लूं, सीख लेते हैं भाई से। जाकर तोड़ेगा भाई मेरी आथा ने कहे पहले दिन मारो भैया इतना भारे भर है, ओहो हो माय गॉड मारेगा भाई जाखड़, चल हाँ वो मेरे बॉडी में वेट भी ज्यादा है, फिर भी आप मेरे से ज्यादा नॉर्मल एक्टिविटी करते भी चले जाते हो। हाँ मैं एक्टिव बहुत रहता हूँ, हाँ मैं एक्टिव बहुत रहता हूँ, चलो बैठ जाते हैं भाई। ना देख लो मेरे चेहरे पे कितना आ रहा होगा, भयंकर पसीना ला दिया जाखड़ ने, हैं एक दिन में करेगा भाई मेरा सारा 20 किलो एक दिन में घटा होगा मेरा, तो आप तो देख रहे स्वाद ले रहे घूमता घूमता है, और मेरा देख रहे पसीना पसीना, पर मैं खुश हूँ भाई मेरे लिए मेहनत कर रहा है, थैंक यू टू मिस्टर जाखड़। तो ये था अपना आज का फर्स्ट डे जिम में, पसीना वसीना पूरा निकाल लिया भाई फर्स्ट डे के हिसाब से। जाखड़ कैसा किया मैंने फर्स्ट डे के हिसाब से? बढ़िया। जाखड़ अभी फोन में बिजी है, तो भाई फर्स्ट डे के हिसाब से काफ़ी कर लिया, अब देखते हैं कि मोस्टली मैंने ना एक्सरसाइज ही करी है, कि जिम मेरे आज मैं देखूँगा कि मतलब बैक में पेन ना हो तो, और कुछ चीज़ें ना बॉडी की नोटिस करूँगा, अगर बैक पे लगा के जोर आ रहा है तो भाई जैसे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आपको जिम नहीं करना, तो भाई जिम छोड़ के वापस कार्डियो और से खाली ब्रिस्क वॉक से काम अपने को चलाना पड़ेगा। बाकी
जो ये पेट ना, ये तो मेरे को 3 महीने के अंदर कम करना है भाई। ये चैलेंज मैंने ले लिया, चाहे मैं जिम से करूँ, चाहे मैं वॉक से करूँ, चाहे मैं भाग के करूँ, जैसे मर्जी करूँ मैं, पर ये तो मेरे को करना है, बिल्कुल करना है। तो भाई फाइनली इनके सर्विस जो इनके हेड है उनसे बात हुई है मनोज जी से, तो वो कह रहे हैं कि सर मैं आज नहीं तो कल आपका सॉर्ट आउट करा देता हूँ। चलो यार, अच्छे बंदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरी कंपनी ख़राब होती, कंपनी कभी ख़राब नहीं होती भाई, ये सारा एम्प्लॉयज़ का खेल होता है। कोई एम्प्लॉयज़ हमारी मजबूरी समझ लेता है और कोई एम्प्लॉय मजबूरी नहीं समझता। भाई ने समझ ली, भाई को मैटर समझ में आ गया शुरू से क्या प्रॉब्लम है इस एसी में, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ सर एम्प्लॉय के मैं करा दूँ। ऐसे दे रहे यार, सर्विस ले रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं, फ्री में किसी से कुछ नहीं मांगते भाई, सर्विस तो मिलनी चाहिए ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कुछ होनी चाहिए, है भाई जाखड़, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नाम की चीज़ होती होगी, बस वही बात है भाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मांगते। बाकी गर्मी बहुत तेज हो गई है, जिम हमारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर, बढ़ गए भाई कभी बड़ा तो और गए, जब गाड़ी में जाकर बैठेंगे, चल जाएंगे गाड़ी में बैठे। तो जी शाम का टाइम हो गया है, सूर्य देवता के तेवर थोड़े से नरम पड़ गए क्योंकि दिन छिपने का टाइम आ गया ना। व्लॉग में मैंने बोला था मतलब नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन वाली एयर का काफी भाइयों की क्वेरीज हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर भी आपका क्लैरिटी लेके आएंगे बहुत ज्यादा, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा अपना। तो जी सारे काम निपटा के फ्री हो गया भाई अभी, और हो गई रात, और अब आया हूँ मैं कॉफी पीने। अरे इन भाई को तो मैंने देखा है, इनको तो मैंने कहीं देखा है, मैंने भी आपको देखा लगता है कहीं। हाँ जो भाई तो देखा बड़ा लग रहा है रे, तू तो मैंने देख रखा है, तू है ना झज्जर वाला है ना, भाई हम दोनों झज्जर डिस्ट्रिक्ट के, झज्जर के क्या इश्ती पाइश्ती बोल रहा भाई, मैंने नहीं पता, चक्षु खोल देती है, दिमाग के चक्षु खोल देगी, ओह माय गॉड, ऐसे चक्षु। चल भाई पूछ लेते हैं, अंग्रेजी जगह घुस जाता है ना, लाते भाई लाते को 200 रुपया हम लात देगा। अब भाई देखिए देखिए किसी किसी नाम ले रहा, पैशन फ्रूट। जाकड़ प्लीज बी इन योर लिमिट्स। बाकी मेरे को लग नहीं रहा जाकड़ जो तू वो आइस पाइस्टी लाते पाते की मांगे है, आइस्टी नहीं की मांगता है। हां जी हां जी पुत्र दसो की मांगदे, ऐसा झाकड़ का हाथ थोड़ा पंजाबी में टाइट नहीं पता कैसे बोल रहे भाई, मेरे सरदार पंजाबी दोस्त बोल रहे हैं, तो इसलिए अपना टच रहता है, जीटी रोड बेल्ट वाले ये नहीं रखते, नहीं मिलेगी यहाँ नहीं, फिर अभी मेरा कॉफी का मन अभी ऐसा है नहीं, अकेला मैं कॉफी क्या पीऊंगा। ठीक है भैया रात को मिलते हैं, मतलब लेट नाइट पे आएंगे भाई कॉफी पीने, अभी वो सच में उसके साथ एक बैठा रोज देख लो, ये कैसे बोल रहा है भाई, गलत नहीं था क्योंकि हम मोस्टली कॉफी ना हम लेट नाइट पीते हैं यार, ये बात है और क्या बात है इसमें बताया शाम को लेट। अभी थोड़ा गर्मी भी लग रही है यार, जाखड़ मान्या नहीं, मतलब आज आइस टी पियेंगे। ठीक है भाई कभी कभी छोटे भाई की भी मान लेनी चाहिए, जाखड़ आज कॉफी नहीं पी तूने ना, ना सिर्फ आइस टी बढ़िया रही आइस टी, चना जोर गरम खाया आज, चना जोर गरम, और अब जाके मोदा पड़ के सो जाएंगे। भाई आज शरीर दुख रहा है तो मैं अभी देखता हूँ जाके क्या कुछ है, बाकी भाई आज आइस टी पी अच्छा लगा, थोड़ा कूल, गर्मी बहुत थी भाई, अभी कॉफी पीने का मन नहीं था तो हमने वो पी लिया, आज कॉफी पीने का तो मन था नहीं, और जिम में भी आज काफी पसीना आया तो इसलिए बॉडी भी थोड़ी थकी थकी सी महसूस कर रही है। बाकी मुझे लगता नहीं कि जिम अपने से कंटिन्यू हो पाया क्योंकि जो मेरा जो रूटीन है मॉर्निंग का, जो मेरा रूटीन है एक्सरसाइज और पार्क का, वही मेरा बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि आने और आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट सेक्टर 56 से जाओ या 14 तक एंड देन फिर वापस आओ, और दिन का टाइम और काफ़ी चीज़ें हैं। ये चीज़ देखो शरीर जरूरी है, शरीर फिट, शरीर तो अपन 3 महीने के अंदर फिट करूंगा, जो टारगेट मैंने ले लिया वो तो ले लिया, उसको तो मैं फिटनेस पे लेके आऊंगा, मैं तो लास्ट ईयर भी लेके आया था, आपको बताया था कोविड हो गया देन मेरा दोबारा गेन हो गया था, नहीं तो भाई वापस लेके आऊंगा अब इस चीज को, तो मैं बाकी उसको जिम से लाएंगे या अपने फिजिकल वर्कआउट से लाएंगे वो देखते हैं वो कैसे आएगा। बाकी ये था हमारा आज का पहला और मे भी शायद आखिरी दिन जिम में। ठीक है जी, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।